السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين قابل عزت علماء اکرام حاضرین مجلس نوجوانان قوم و ملت پردہ نشین عزتدار خواتین اسلام اور پیارے بچوں تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ الغانم کی طرف سے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے
अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाह लालमीन जिन हजरात ने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। आमीन। मैंने जिस मौजू का इंतखाब आज के प्रोग्राम के लिए किया है वो मौजू है हालत हाजरा और हमारी जिम्मेदारियां। एक बड़ा मशहूर किस्सा है, बड़ी मशहूर कहावत है, आप सबने सुनी होगी कि एक मर्तबा एक जंगल के अंदर आग लग गई। बड़ा सा जंगल था, आग लग गई तो जंगल के जितने जानवर थे सारे के सारे जंगल से बाहर निकल रहे हैं। उस जंगल में जितने परिंदे थे वो सारे के सारे परिंदे जंगल से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि जंगल में आग लगी हुई है और सबको डर है कहीं हम आग के अंदर जल न जाएं। तो जितने जानवर हैं जितने परिंदे हैं सारे के सारे उस जंगल से निकल रहे हैं, पर एक छोटी सी चिड़िया जिसे उर्दू के अंदर गौरैया कहा जाता है वो चिड़िया जाती है और तालाब से अपनी चोंच में पानी भरती है और उस जंगल के ऊपर डाल देती है और वो बार बार यही कर रही है, चोंच में पानी भरती है और जंगल की आग के ऊपर डाल देती है। जब परिंदों ने गौरैया को ये करता हुआ देखा तो कहा, क्या गौरैया तू पागल हो गई है? अरे गौरैया तू दीवानी हो गई है? तेरा साइज इतना छोटा, कितनी छोटी होती है? मेरे ख्याल से मेरी चार उंगलियों के बराबर उसका साइज होगा। अरे गौरैया क्या तू पागल हो गई है? तेरा साइज इतना सा और तेरी चोंच बिल्कुल इतनी सी जिसमें एक कतरा दो कतरे तीन कतरों से ज्यादा पानी नहीं आएगा। तू लाख कोशिश कर ले मगर ये तेरी मेहनत इस जंगल की आग को बुझा नहीं सकती। आप जानते हैं कि उस वक्त उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया था, उस वक्त उस गौरैया ने क्या जवाब दिया था? उस चिड़िया ने कहा था कि परिंदों तुम मुझे पागल ना समझो, तुम मुझे मजनू ना समझो, तुम मुझे दीवाना ना समझो और ये मत समझो कि मैं इस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही हूं, नहीं बल्कि मैं इस जंगल पर इसलिए पानी डाल रही हूं जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाए, जब इस जंगल की तारीख लिखी जाए, जब इस जंगल की हिस्ट्री लिखी जाए तो आग जलाने वालों में मेरा नाम ना हो, कम से कम आग बुझाने वालों में मेरा नाम। मैं ये कहावत आप लोगों के सामने क्यों सुना रहा हूं, इसको सुनाने का मकसद क्या है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं आज जो हमारे समाज के अंदर एक आग लगी हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो समाज से बुराइयों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब यह होगा आग बुझाने वाले तो नहीं है, आग में घी डालने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। हमारे और आपके समाज की क्या हालत है, हमारा और आपका क्या हाल है? आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा है, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मां उसकी बहन को गाली दे रहा है, आज एक भाई अपनी बहन का हक खा रहा है, आज भाई भाई की जायदाद खा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बस फारसी का वो शेर याद आ रहा है, तने हमा दाग दाग शुद बम्बा कुजा कुजा ना हम। किन किन खराबियों को आपके सामने मैं बयान करूं, किन किन फितनों को आपके सामने रखूं, पूरा जिस्म छलनी है और दर्द हैरा है, उठे तो कहां से उठे। हमारे आपसी मसाइल देख ले, हमारे यहां मस्जिदें खाली नजर आएंगी, बेनमाजियों की कसरत ज्यादा है, हमारे समाज के अंदर बेपर्दगी आपको नजर आ जाएगी,
हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर बाहिमी इख्तलाफात आपको नजर आएंगे, किन किन चीजों को आपके सामने जिक्र किया जाए। थोड़ा और ऊंचे स्तर पर चलिए, मुल्क के क्या हालात है। आज हमें और आपको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। आज हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। इसको भी आप छोड़िए, आलमी मसाइल पर निगाह डालिए। कोई हमारा ऐसा मुल्क आप बताएं जहां अमन सुकून हो। इराक आप देख लें, सऊदीया आप देख लें, कतर आप देख लें, मिस्र आप देख लें, हम आलमी पैमाने पर भी इस वक्त जलील हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो हमारी और आपकी हालत क्या हो रही है। कुरान उठाइए, मैंने खुतबे के दौरान एक आयत पढ़ी थी। अल्लाह ताला फरमाता है, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس। इस जमीन के ऊपर, इस खुश्की के ऊपर और इस तरी के ऊपर जो फसाद नजर आ रहा है, जो खराबियां नजर आ रही हैं, जो बिगाड़ नजर आ रहा है, बिमा कसबत ईदिन नास, ये इंसानों के अपने हाथों की कमाई होती है, ये इंसानों के अपने गुनाहों का नतीजा होता है। आज हम गौर करें, हम और आप इस आयत को अपने सामने रखें, आज ये जो हमारी हालत है, कहीं इसके जिम्मेदार हम तो नहीं है। जनाब, हमें और आपको चीखने चिल्लाने का बड़ा शौक है, हमें और आपको शोर करने का बड़ा शौक होता है कि कोई मसला हो जाए, हमारे व्हाट्सएप उन मसाइल से भर जाएंगे। अगर हमें रोडों पर निकलने के लिए कह दिया जाए, हम रोडों पर भी बहुत जुनून के साथ निकल जाएंगे। हमारे अंदर जज्बा बहुत है, जोश बहुत है, लेकिन अमल के मैदान में हम बिल्कुल पीछे हैं। ये मुसीबतें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अईदीकुम वयअफू अन कसीर। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मुकद्दस की इस आयत पर गौर कीजिए। हमें और आपको तकरीरें सुनने का बड़ा शौक है, पर मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम अहले हदीस हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, हमारे जहन में यह बात बैठ चुकी है, हम सही मसलक पर है, सही मनज पर है, हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं। मगर ये याद रखिए, आज कुरान मुकद्दस पर तदब्बुर, कुरान मुकद्दस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत हम नहीं समझते हैं। कुरान पर गौर करने की तौफीक हमें नहीं होती है। कुरान की एक एक आयत, एक एक लफ्ज, एक एक जुमला हमारे और आपके सारे सवालों का जवाब है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते हैं? क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? दिलों के ताले खोलने की चाबी कुरान है। कुरान पर गौर कीजिए और अपने सवालों का जवाब कुरान से हासिल करने की। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है, बिमा कसबत अईदीकुम, ये तुम्हारे पापों का नतीजा होता है, ये तुम्हारे पापों की वजह होती है। वो याफू अन कसीर, और याद रखो, अल्लाह ताला हर गुनाह पर तुम्हारी पकड़ नहीं करता है। वो याफू अन कसीर, बहुत से गुनाह तो अल्लाह ताला तुम्हारे माफ कर देता है। जी हाँ, हर गुनाह पर पकड़ नहीं होती है जनाब। हर गुनाह पर पकड़ हो जाए फिर क्या हालत है। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारे बहुत से गुनाहों को तो माफ कर देते हैं। वयाफुन, तो मुसीबतें जो आती हैं वो हमारे अपने कारनामों की वजह से आती हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम किसने नहीं सुना है? अपने वक्त का जालिम और जाबिर बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ। लोग हसन बसरी के पास आए और कहा कि आप हज्जाज को समझाते क्यों नहीं है, वो कितना ज्यादा जुल्म करता है, जानते हो? उस वक्त हसन बसरी ने क्या जवाब दिया था, ये जवाब आज अपने घर लेकर के जाओ। अपने घर जाओ तो इस जवाब को अपने दिमाग में बिठा लो, अपने दामन में गांठ बांध लो। इमाम हसन बसरी ने कहा था क्या, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना। अल हज्जाज का शिकवा लेकर के आए हुए लोगों सुन लो,
माजाल हज्जाज, हज्जाज जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, इल्ला बिज़ुनूबिना, हमारे पापों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से। तो मेरे प्यारे भाइयों, मालूम ये चला, जब हम बिगड़ जाते हैं, जब मुसलमान गुनहगार हो जाता है, अल्लाह ताला जालिम और जाबिर बादशाह उस पर मुसल्लत कर देता है। ये आज हमारी और आपकी हालत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने जो मौजू आज के लिए मुंतखब किया है वो है मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारियां। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो मौजूदा हालात हमारे हैं इनकी वजह क्या है, और उसके बाद इंशाल्लाह ये बताऊंगा कि मौजूदा वक्त में हमारे ऊपर जिम्मेदारियां क्या आयद होती है। ये जो जिल्लत, ये जो रुसवाई, ये जो हमारे और आपके लिए मसाइल खड़े हुए हैं, उसकी सबसे पहली वजह, याद रखिएगा, सबसे पहली वजह यह है कि आज मुसलमान अमल के मामले में बहुत पीछे है। किस मामले में? आज मुसलमान अमल के मामले में बहुत पीछे है। हमारी मस्जिदों में आ जाओ, मस्जिदें खाली नजर आएंगी। फजर की नमाज में लोग नजर नहीं आएंगे, इशा की नमाज में नजर नहीं आएंगे। आज अमल के मैदान में बहुत पीछे हैं, और उम्मीदें अल्लाह से ये लगाए हुए कि अल्लाह ताला अपनी मदद नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला अपनी नुसरत नाजिल फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप अमल के मैदान में कोताएं तो अल्लाह ताला अपनी नुसरत, अपनी मदद नाजिल नहीं फरमाता है। अमल के मामले में आपको आगे आना पड़ेगा। हम अहले हदीस हैं, हमने बस ये समझ लिया है कि हमने कलमा पढ़ लिया, अब हमारा काम हो गया। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ नजात के लिए कलमा काफी नहीं है, आपको अमल भी करना पड़ेगा। कुरान मुकद्दस के अंदर एक सूरत है जिसे सूरह असर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो, क्या कहा जाता है? सूरह असर। और इमाम शाफई इस सूरत के बारे में कहते हैं कि अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता और सिर्फ यही सूरत यानी सूरह असर नाजिल हो गई होती तो यह भी इंसानों की हिदायत के लिए काफी थी। क्या कहा जा रहा है? हम और आप मगरिब की नमाज में खूब इसको इमाम के पीछे सुनते होंगे, पर कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। कसम है जमाने की, कसम है वक्त की, कसम है असर की, वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, बर्बादी के अंदर, हलाकत के अंदर, अमीर भी खसारे के अंदर, गरीब भी खसारे के अंदर, काला भी खसारे के अंदर, गोरा भी खसारे के अंदर, सऊदी का रहने वाला भी खसारे के अंदर, हिंदुस्तान का रहने वाला भी खसारे के अंदर, इन्नल इंसान लफी खुसर, जितने भी इंसान है सारे के सारे खसारे के अंदर, इल्ला लदीना आमनू, मगर हां जो ईमान लेकर के आ जाए। चार सिफात अल्लाह ताला बता रहा है उन लोगों की जो खसारे के अंदर नहीं है। पहली सिफत, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह की किताबों पर ईमान लेकर के आ जाए, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लेकर के आ जाए, तकदीर के अच्छे बुरे पर ईमान लेकर के आ जाए, आखरत पर ईमान लेकर के आ जाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर के आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ ले, पहली सिफत बताई जा रही है, जो ईमान वाले हो जाएं, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लेकर के आ जाएं। और दूसरी चीज, वामिलुस्सालिहात, जो नेक अमल करें। अल्लाह ने ईमान के फौरन बाद अमल का जिक्र फरमाया। क्या? वामिलुस्सालिहात, आपको अमल भी करना पड़ेगा। जी हां, आपको नमाजें भी अदा करना है, आपको रमजान के रोजे भी रखना है, आपको सदका व खैरात करना है, आपको अखलाक, एक दूसरे, आपको अपने वालिदैन का ख्याल भी रखना है,
आपको अपने पड़ोसियों का ख्याल भी रखना है। وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ नेक अमल करना है। ईमान के बाद फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमल का जिक्र फरमाया। وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, और तीसरी चीज हक बात की वसीयत करना है, हक बात फैलाना है। وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, और सब्र की वसीयत करना है, सब्र से काम लेना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो मौजूदा वक्त में हम और आप जलील हैं, उसकी सबसे पहली वजह याद रखिए, आज मुसलमान अमल के मैदान में बहुत पीछे है। अमल 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 के मैदान में आज मुसलमान नजर नहीं आता। दूसरी वजह, मौजूदा वक्त में हम जलील क्यों हैं, दूसरा सबब, आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत का शिकार है। बस दुनिया, सुबह हो रही है दुनिया, शाम हो रही है दुनिया, सुबह हो रही है पैसा, शाम आंखें बंद हो रही है पैसा, सुबह आंखें खुल रही है माल दौलत बीवी बंगला गाड़ी, बस आज मुसलमान की पूरी जिंदगी दुनिया दुनिया। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, जब मुसलमान दुनिया का दीवाना हो जाए, अल्लाह ताला उसको जलील कर देता है, अल्लाह ताला उसको रुस्वा कर देता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिया, एक जमाना ऐसा आने वाला है, अन करीब सारी दुनिया की कौमें मुसलमानों पर टूट पड़ेंगी, गिर पड़ेंगी, किस तरह, कमा तदा लकलतु इला कसातिया, जिस तरह के भूखे लोग दस्तरखान को देख करके टूट पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे ईमान से बताएं, कौन आज के वक्त में आपका अपना है? नई नई सारी दुनिया जो आपके ऊपर टूट पड़ी है, पिल पड़ी है, आपको बर्बाद करके रख दिया। अगर देखना है तो शाम के हालात देखें, अगर देखना है तो इराक का हाल देखें, अगर देखना है तो लीबिया का हाल देखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारी दुनिया टूट पड़ेगी, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान को देख करके टूट पड़ते हैं, आज सारी दुनिया आपकी दुश्मन है। याद रखिए, कोई आज के वक्त में आपका अपना नहीं है। ईसाई हो, यहूदी हो, और जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वो सारे आज आपके दुश्मन है। याद रखिए, कोई आपका अपना नहीं है। कोई कितनी आपसे मोहब्बत दिखाए, कोई कितना आपसे प्यार जताए, पर याद रखिए, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते, ये तुमसे तभी राजी होंगे जब तुम इनके धर्म पर चलने लगोगे, जब तुम इनके मजहब पर चलने लगोगे। कोई आपका अपना नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सारी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी, किस तरह, जिस तरह के भूखे लोग दस्तरखान को देख करके टूट पड़ते। فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ, एक सहाबी रसूल सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी, क्या हमारी संख्या कम होगी, हम कम तादाद में होंगे, कलील तादाद में होंगे? आपने फरमाया, नहीं, बल अंतुम कतीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। आज हमारी तादाद कितनी है, कितनी है, कोई बताएगा मुसलमान कितने हैं? मुझे तो नहीं याद है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किस धर्म की है? ईसाइयों की, उसके बाद मुसलमानों की। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ममालिक, तकरीबन 55 ममालिक किसके पास है? मुसलमानों के पास है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, पर हैसियत क्या होगी? वलाकिन्नकुम गुसा, उनका गुसा इसैल, जिस तरह समंदर के पानी के ऊपर झाग होता है, तुम उसी झाग की तरह होगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारा और आपका ही हाल है। दुनिया हमें नचा रही है, हम बंदरों की तरह नाच रहे हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तादाद हमारी, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ममालिक हमारे, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, बड़ी बड़ी सल्तनतें हमारी, बड़े बड़े तख्त हमारे, हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, मगर मेरे प्यारे भाइयों, आज भी हम जलील हैं, आज भी हमें रुस्वा किया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने सच फरमाया था, तुम समंदर के पानी के ऊपर जो झाग और बुलबुले होते हैं, तुम उसी झाग की तरह हो। और
अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारे रौब को तुम्हारे दबदबे को खत्म कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन नाम की बीमारी डाल देगा। एक सहाबी कहते हैं वमल वहनु या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल ये वहन क्या, ये कमजोरी क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल वहनु हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, आए मेरे सहाबा ये वहन दुनिया की मोहब्बत है और मौत से नफरत है। यानी जब तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी तो सारी दुनिया तुम पर टूट पड़ेगी, पिल पड़ेगी। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी जिल्लत का दूसरा सबब यही है। आज मुसलमान सिर्फ दुनिया का दिलदादा हो गया है, दुनिया का दीवाना हो गया है। मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरा बंगला अच्छा हो जाए, मैं पैसे वाला हो जाऊं, मेरी बीवी अच्छी, मुझे बीवी अच्छी मिल जाए, मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए, मेरे बच्चे इंजीनियर बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों, से दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया दुनिया, ये दुनिया क्या है? कुरान कहता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे की जगह है, ये फ्रॉड की जगह है, ये धोखा है, फ्रॉड है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, فَقَدْ فَازَ, यही कामयाबी है। وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, और दुनिया की जिंदगी धोखा है, फ्रॉड है। क्या है? धोखा है, गुरूर, फ्रॉड है, गुरूर है। किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो? मऊ के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों, क्या दुनिया? अल्लाह के रसूल की नजर में दुनिया की हैसियत क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल एक मकाम से गुजर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी का मरा हुआ बच्चा नजर आया, जो मरा हुआ है, बकरी का मरा हुआ बच्चा, उसके अंदर से बदबू निकल रही है। अल्लाह के हबीब ने अपने सारे सहाबा को उस बकरी के मरे हुए बच्चे के इर्द गिर्द जमा फरमाया। अल्लाह के रसूल ने उस बकरी के मरे हुए बच्चे का कान पकड़ा और फरमाया मेरे सहाबा कौन है जो ये बकरी का मरा हुआ बच्चा मुझसे एक दिरहम में खरीदेगा? कितने दिरहम में? कितने दिरहम में? एक दिरहम में। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल ये बकरी का मरा हुआ बच्चा है, अल्लाह के हबीब ही मर चुका है, इसके अंदर से बदबू फूट रही है, सड़ चुका है, गल चुका है। अल्लाह के हबीब, एक दिरहम तो दूर की बात है, अगर आप इसे फ्री में देंगे, मजानन देंगे, तब भी हम इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल, एक दिरहम तो दूर की बात है, अगर आप इसे फ्री में देंगे तो हम फ्री में भी इसे खरीदने लेने के लिए तैयार नहीं है। अब प्यारे रसूल की जुबान से जो अल्फाज निकले हैं, मऊ के लोगों, इसे अपने जहन में बैठाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अहवनु अलल्लाही, अहवनु अलल्लाही मिना من ذلك عليكم, ये जितना खराब तुम्हारे नजदीक है अल्लाह की नजर में, इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया की औकात इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा नहीं गुजरी है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के और उसके रसूल की नजर में दुनिया की ये हैसियत है, अहवनु अलल्लाह मिन हादा अलैकुम, जितना बुरा, जितना खराब, जितना गंदा ये तुम्हारी नजर में है, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत, इस दुनिया की औकात इस बकरी के मरे हुए बच्चे से भी ज्यादा गई गुजरी है। ये दुनिया है, अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में आप कैसे रहे हैं? हदीस के अंदर आता है नाम रसूलुल्लाह अला हसीरिन, अल्लाह के रसूल खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। जब अल्लाह के रसूल सोकर के फारे आराम फरमा करके फारे हुए तो सहाबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल की पीठ पर उस चटाई के निशानात मौजूद है। नरम नरम बिस्तरों पर सोने वालों, महंगी महंगी चटाइयों पर आराम करने वालों, मेरे नबी का हाल देखो, अल्लाह के नबी किस पर लेटे हुए हैं? हसीर पर, खजूर के पत्तों की चटाई पर, और वो इतने सख्त हैं कि अल्लाह के रसूल की पीठ पर उस चटाई के निशानात आ गए। नबी अकरम के जानिसारों ने जब अल्लाह के रसूल का यह हाल देखा,
फरमाया तखज़ना लका बिता, अरे अल्लाह के रसूल अगर आप कहें तो आपके लिए हम बिस्तर का इंतजाम कर दें, कोई अच्छा सा बेड बनवा दें, अच्छा सा बिस्तर आपके लिए मुहैया करवा दें। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल के अल्फाज सुनो, हाय दुनिया दुनिया, किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो? मेरे रसूल की नजर में इस दुनिया की हैसियत क्या थी? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया माली वल दुनिया अना करा कि आए मेरे साहबा, ये दुनिया, इस दुनिया में मेरे लिए क्या है? मैं तो इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। एक पेड़ नजर आया, दरख्त नजर आया, मैं उसके नीचे आराम करने के लिए लेट गया और फिर वहां से उड़ करके चला गया और उस पेड़ को छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये नबी अकरम की हैसियत है इस दुनिया की। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अब्दुल्लाह इब्न उमर से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरु सबील, आए बच्चे दुनिया में ऐसे रहो, ऐसे जिंदगी गुजारो, कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब, जैसे तुम अनजान हो, कुछ जानते ही नहीं हो, औ आबिरु सबील, या रास्ते से गुजर रहे हो। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर लोगों से कहा करते थे इदा अमसैत फला तंतज़िर सबाह, आए लोगो जब शाम हो जाए तो सुबह इंतजार ना करना, वो इधा अस्बहत फला तंतज़िर अल-मसा, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करना, शाम हो जाए सुबह का इंतजार ना करना, और जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करना। हजरत उमर फारूक अल्लाह के रसूल से मुलाकात करने आए, मिलने के लिए आए, देखा अल्लाह के रसूल एक चटाई पर लेटे हुए हैं, हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह के रसूल आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई, आए अल्लाह के हबीब कैसर व किसरा ऊंचे ऊंचे तख्तों पर बैठते हैं, आए अल्लाह के रसूल आपने ये अपना क्या हाल बनाया है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमर खबरदार खबरदार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो? अल्लाह उनको जन्नत दुनिया दे दे और हम सबको आखिरत दे दे। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। जिस उमर ने प्यारे रसूल से यह सीखा, जिस उमर ने प्यारे रसूल से ये तरबियत पाई, उसी तरबियत का नतीजा था सैयदना उमर फारूक को जख्म लगा हुआ है, नमाज पढ़ा रहे, खंजर मारा गया, आखिरी वक्त चल रहा है, जाकुनी का आलम है। एक नौजवान हजरत उमर से मिलने आया और उसका पजामा टखने के नीचे था। हजरत उमर उस मौके पर कहते हैं आए नौजवान अपने पजामे को टखने के ऊपर कर ले, ये क्या ईमान था, ये क्या तरबियत थी मेरे प्यारे भाइयों, ये उमर ने नबी से हासिल की थी। उमर ने अपने दिल अपने इस दुनिया से अपने दिल को ज्यादा नहीं लगाया। हजरत अली कहा करते थे क्या मिन किल्लत ज़ाद बुद सफर, आए लोगों सामान बड़ा कम है और सफर बड़ा तवील है। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया की हकीकत को समझिए, दुनिया क्या है? वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा है। मऊ के बड़े बड़े गृहस्थ आए, मऊ में बड़े बड़े सेठ गुजरे, सब मिट्टी में समा गए, कोई आज आपको नजर नहीं आएगा। ये दुनिया इतनी दगाबाज है, सुबह सूरज निकलता है, शाम को सूरज डूब जाता है। ये दुनिया, आज नौजवान लड़का नौजवान लड़की आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को तराशते हैं, कंघी कर रहा है, कोई काजल लगा रहा है, हाय मेरा चेहरा, हाय मेरी खाल, जब यही 50 साल हो जाएंगे, 60 साल हो जाएंगे, और जब इसके चेहरे पर बुढ़ापे का ताना बाना बुन दिया जाएगा, यही नौजवान कहेगा हाय ये मेरे चेहरे को क्या हो गया, यही नौजवान लड़की कहेगी हाय मेरा फूल सा चेहरा इतना खराब कैसे हो गया। आदमी अपने चेहरे को देखना गवारा नहीं करेगा। ये दुनिया क्या है मेरे प्यारे भाइयों? इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा है। माल माल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, इंसान का माल क्या है? खा ले हजम कर ले, पहन ले बोसीदा कर दे और अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, यही तो इंसान का माल है। दुनिया की हकीकत को समझिए मेरे प्यारे भाई। याद रखिए जब मुसलमान दुनिया की मोहब्बत उसके जहन के अंदर बैठ जाए, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल के अंदर आ जाए, तो अल्लाह ताला मुसलमानों को जलील कर देता है, जिस तरह समंदर के पानी के ऊपर झाग होता है, मुसलमान कमजोर हो जाते हैं, जलील कर देता है। कितनी बातें हो गई, कितनी बातें, सब हाजिर जहन है या नहीं है?
बात समझ में आ रही है? सबके जहन हाजिर है या नहीं है? हाजिर होकर के बैठिए। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, आज हमारे और आपके दिलों से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत निकल गई। और याद रखिए, जब मुसलमानों के दिलों से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत निकल जाए, अल्लाह ताला उन पर अपना हुक्म, अपना अजाब नाजिल फरमाता है। कुरान उठाए, अल्लाह ताला फरमाता है, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره। आए नबी आप इन लोगों से कह दें, आए नबी आप मुसलमानों से कह दें, क्या कह दें? कुल इनका न आबाउकुम, आए मुसलमानों अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, वो अबनाउकुम तुम्हें अपने बेटों से मोहब्बत है, कुल इनका न अबना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम तुम्हें अपने भाइयों से मोहब्बत है, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, तुम्हें अपने कराबत दारों से, रिश्तेदारों से मोहब्बत है, वो अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा और तुम्हें अपने माल से मोहब्बत है जिसको तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, ना तुमने सर्दी की सर्दी देखी, ना गर्मी की गर्मी देखी, ना तुमने धूप देखी, ना कोहरा देखा, बड़ी मेहनत से जिस माल को तुमने जमा किया है, वह तिजारतुन तख्शौना कसादहा और उस मा उस बिजनेस का तुम्हें डर लगा रहता है कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, फ्लॉप ना हो जाए, वह मसाकिन तरदौनहा और उस घर से, उस बंगले से तुम्हें बड़ी मोहब्बत है जिसमें तुम आराम करते हो। याद रखो, इन चीजों से मोहब्बत है, मोहब्बत करो, इस्लाम आपको मना नहीं करता है, लेकिन फरमाया गया अगर इन आठों चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, फतरबसु तो तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बेअम्री, अल्लाह के हुक्म का, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। अगर इन चीजों में से किसी एक चीज की मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई तो फरमाया फतरबसु हत्ता याती अल्लाह बेअम्री वल्लाहु ला यहदिल कौम अल फासिकीन, तो अल्लाह के हुक्म का इंतजार, अल्लाह के अजाब का इंतजार कर। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज इस कायनात के अंदर हम जलील क्यों है? हमारी रुसवाई की ये तीन वजूहात मैंने आपके सामने रखी है, और भी वजूहात हैं, होंगी हैं, पर वो मैं भी आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। ये तीन वजूहात मैंने अभी आपके सामने रखी है। अब मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या है? इंशाल्लाह ये चंद जिम्मेदारियां हैं, उसको बता करके फिर अपनी बात खत्म की जाएगी। मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है, हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, एक एक करके वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर इस दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हैं, अगर इस कायनात के अंदर वकार चाहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, हम सबको इस्लाम की तरफ लौटना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक ने कहा था, नहनु कौमिन अअज्जनल्लाहु बिल इस्लाम, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे, कोई भी मार देता था, कोई भी पीट देता था, सारी दुनिया जलील समझती थी कि अरब के लोग बड़े जलील हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, हम जलील लोग थे, अअज्जनल्लाहु बिल इस्लाम, इस्लाम के जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इज्जत चाहते हो तो इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। हजरत उमर कहते, इज्जत अल्लाह ने इस्लाम के जरिए दी है, और जो कोई भी इज्जत किसी और से तलाश करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको जलील फरमा देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इज्जत चाहिए, सरबुलंदी चाहिए, मकाम चाहिए, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक यही मजहब सबसे ज्यादा पसंदीदा है, यही मजहब अल्लाह के नजदीक मकबूल है, आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा अगर दुनिया के अंदर इज्जत चाहिए। इस्लाम की तरफ मुसलमान बनना पड़ेगा। आज मुझे बताइए मेरे प्यारे भाइयों, कि आज हम और आप मुसलमान हैं,
कौन सा इस्लाम आज हमारे और आपके अंदर नजर आता है? हमारे घरों में चले आओ, इस्लाम कहीं नजर नहीं आता। हमारे मोहल्लों में चले आओ, कहीं इस्लाम नजर नहीं आता है। ये मऊ की सरजमीन, ये मऊ का इलाका, ये मऊ की धरती जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि यहां पर बड़ी दीनदारी है, यहां पर बड़ा पर्दा है, वक्त के साथ साथ यहां से भी दीनदारी खत्म हो रही है। 2012 से मऊ में मेरा ताल्लुक है, 2012 से मैं मऊ आता हूं। 2022 हो गए, 10 साल हो गए, जो रूहानियत पहले मैंने मऊ के अंदर देखा करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो रूहानियत खत्म होती जा रही है। कहां इस्लाम बचा है? हमारे मोहल्लों में आ जाओ, कहीं इस्लाम नहीं। हमारी शादियां देख लो, इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौन सा इस्लाम? प्यारे भाइयों, मुसलमान बनिए मुसलमान। आज ये मुसलमान, ये अपने आप को अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान बकर और उमर कहने के बाद ये आज मुसलमान बर्थडे मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं। जी हां, आज मुसलमान बर्थडे मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम बड़ा आसान है। इस्लाम क्या है? बड़ा आसान है? नहीं नहीं जनाब, इस्लाम बड़ा आसान नहीं है। ये आपको किसने बता दिया इस्लाम बड़ा आसान है? नहीं नहीं, इस्लाम आसान नहीं, इस्लाम सख्त है। जी हां, इस्लाम अपने अकायद को लेकर के, इस्लाम अपने अहकामात को लेकर के बड़ा सख्त है। हाँ, इस्लाम आसान है। कैसे? अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो कैसे पढ़ लो? कैसे पढ़ लो? बैठ करके पढ़ लो। इस्लाम आसान है। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो, बैठ करके पढ़ लो। और बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो कैसे पढ़ लो? लेट करके पढ़ लो। जी हाँ, इस्लाम आसान है। कह रहे लेट करके पढ़ लो। अगर हरकत नहीं कर सकते हो तो कैसे पढ़ लो? आंखों के सारे इशारे से पढ़ लो। इस्लाम आसान है। लेकिन जनाब, इसी मामले में इस्लाम आसान है। रमजान का महीना है, आप बीमार हो गए, सफर पे जा रहे हैं। इस्लाम इतना सख्त नहीं है कि आपको रोजा रखना नहीं। इस्लाम कहता है ऐसा करो, रोजा छोड़ दो और रमजान के बाद वो उस रोजे की कजा कर लेना। जी हां, इस्लाम इसमें तो आसान है, पर इस्लाम इतना भी आसान नहीं है कि आप हैप्पी न्यू ईयर मनाएं। इस्लाम इतना भी आसान नहीं है आप अपने बर्थडे पर केक काटें। इस्लाम इतना आसान नहीं है कि आप अपनी शादी की सालगिरह मनाएं। इस्लाम इतना भी आसान नहीं है होली आए तो गैरों को खुश करने के लिए होली खेल लें। इस्लाम इतना आसान नहीं है दिवाली आए तो आप पटाखे भी जला लें। नहीं नहीं, इस्लाम सख्त है इस मामले के। हमारी नजरों ने देखा है, आज मुसलमान होली खेल रहा है, आज मुसलमान दिवाली मना रहा है। जी हां, मैं आपको अपनी जाती बात बताऊं, दिवाली वाले दिन मैं तकरीबन अपने घर से 5 किलोमीटर दूर से आ रहा था और जितने मुझे रोड क्रॉस करना थे, जितने मोहल्ले क्रॉस करना थे, वो सारे के सारे मोहल्ले हिंदू भाइयों के, सारे के सारे मोहल्ले हिंदू भाइयों के। मैं अपनी गाड़ी पे था, बड़े आराम से मैं सबके मोहल्लों से गुजर गया। ना कोई पटाखा, ना कोई फुल्लड़ी, ना कोई लाइट, ना कोई शोर, ना गोल, कोई रोड पर नहीं, पूरा रोड चल रहा है, लोग अपने अपने घरों पर दिवाली मना रहे हैं। पर जब मैं अपने मोहल्ले आया, जब मैं अपने इलाके आया, उस इलाके में मैंने देखा, अपने मोहल्ले में देखा कि वहां पर पटाखे रोड पर चल रहे हैं, वहां पर अनार रोड पर चल रहा है। किस मोहल्ले में? जिस मोहल्ले के अंदर उलमा की कसरत है। कौन सा मोहल्ला? जिस मोहल्ले के अंदर एक भी गैर मुस्लिम नहीं है। कौन सा मोहल्ला? गैर मुस्लिम तो दूर की बात है, वहां अहले हदीसों की सिवा कोई नहीं रहता है। उस मोहल्ले के अंदर पटाखे भी जल रहे हैं, उस मोहल्ले के अंदर लोग दिवाली मना रहे हैं। आज ये हमारा और आपका इस्लाम है। तकफुरून बिबाद व तुमिनून बिबाद, जो अच्छा लगे मान लिया और जिसे अच्छा लगे छोड़ दिया, ये इस्लाम नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे अपने आप को इस्लाम के हवाले कर दो। अपना जीना मरना, उठना बैठना, नमाज रोजे, लड़ाई मोहब्बत, दोस्ती दुश्मनी, सब इस्लाम के लिए। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इस्लाम ये है इस्लाम। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर इज्जत चाहते हो, याद रख लो, पहली नसीहत आपको करके जा रहा हूं, इस्लाम अब पक्के मुसलमान बन जाओ। अपना घराना इस्लामी घराना बना लो,
अपनी शक्ल इस्लामी शक्लें बना लो, अपनी शादी इस्लामी शादी बना लो, अपना अपना मोहल्ला इस्लामी मोहल्ला बना लो, इस्लाम में नहा लो, इस्लाम का लिबास पहन लो, तुम्हारा बैठना भी इस्लाम, तुम्हारा इस्लाम भी इस्लाम, तुम्हारी मोहब्बत भी इस्लाम, तुम्हारी दुश्मनी भी इस्लाम, तुम्हारा चलना भी इस्लाम, तुम्हारा रुकना भी इस्लाम, तुम्हारा खाना भी इस्लाम, तुम्हारा पीना भी इस्लाम, इस्लाम को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो। अगर इज्जत चाहते हो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान बन जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कामयाब होना है, ये पहली जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दूसरी जिम्मेदारी मेरे प्यारे भाइयों, मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी जो दूसरी सबसे अहम जिम्मेदारी है वो ये कि आज हमें और आपको अकीदे के मामले में बड़ा टाइट होना पड़ेगा, हमें और आपको अकीदे के मामले में बड़ा सख्त होना पड़ेगा, हर चीज से कंप्रोमाइज हो जाए पर तौहीद से और अकीदे से कंप्रोमाइज नहीं। लोग कहते हैं कि भाई अहले हदीसों के अंदर अमल की बहुत कमी है, किस चीज की? अमल की अहले हदीसों के अंदर कमी है। जी हां, ये मैं मानता हूं कि अमल की कमी अहले हदीसों के अंदर बहुत है, पर हां एक चीज याद रखिए, अहले हदीसों का ये इम्तियाज है, अहले हदीस कितना भी बदअमल क्यों ना हो, कितना भी बेअमल क्यों ना हो, पर हां वो अपने अकीदे के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। ये अहले हदीसों का खासा है कि वो कभी अपनी तौहीद के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करता है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी और आपकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हमें और आपको अकीदे के मामले में सही होना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी अकीदे के बारे में बताना पड़ेगा। हजरत लुकमान अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं, क्या हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया तुशरिक बिल्ला शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, आए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हजरत लुकमान की नसीहत आपको ये सबक दे रही है, आपको ये पैगाम दे रही है, आपकी अगर शादी हो गई है, आपको अल्लाह ने बेटा बेटी से नवाज दिया है, आप अपने पूरे दिन में चंद घंटे अपने बच्चों को देते हैं, उनके साथ मोबाइल चलाते हैं, उनके साथ टीवी देखते, मेरे भाइयों खबरदार खबरदार, अपने बच्चों के लिए पूरे 24 घंटे में ऐसा टाइम जरूर निकालो, अपने बच्चों को तौहीद बताओ, उनके अकीदों को मजबूत करो, उनकी तौहीद को मजबूत करो। मेरे बच्चे कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। आए मेरे बेटे, अपना ये माता अपनी ये पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ना झुकाना। आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, कभी गले में धागा ना बांधना, कभी अपने हाथों में धागा ना बांधना। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे और आपके ऊपर वाजिब है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन रईयती, आप सब जिम्मेदार हैं और सबसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। अकीदों को मजबूत कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने अकीदों को मजबूत कीजिए, मजबूत कीजिए और अपनी औलाद के अकीदों को भी मजबूत कीजिए, क्योंकि शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि मेरे प्यारे भाइयों वो कभी माफ नहीं, अगर बगैर तौबा किए मर गए अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला और गुनाहों को माफ कर सकता है, नमाज नहीं पढ़ी अल्लाह के ऊपर है माफ करे ना करे, रमजान के रोजे छोड़ दिए अल्लाह के ऊपर है माफ करे ना करे, हो सकता है कर भी दे, वो अल्लाह की मशीयत के ऊपर है, पर खबरदार अगर शिर्क किया है और बगैर तौबा किए मर गए अल्लाह ताला शिर्क माफ नहीं करेगा। अरे शिर्क को माफ करना तो दूर की बात है, एक मुशरिक के लिए आप मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल के चाचा, क्या नाम है उनका? अबू तालिब, आपका बड़ा सपोर्ट किया, आपके कंधे से कंधे मिलाए, आपके कंधे पर अपने दोनों हाथों को रखा, कभी बाप की कमी पूरी नहीं होने दी, हर मौके पर सपोर्ट किया। आखिरी वक्त चल रहा है, अल्लाह के रसूल आए, कहा चाचा काल में कलमा पढ़ लो, मगफरत करवा दूंगा, अल्लाह से दरख्वास्त कर दूंगा। ए आखिरी वक्त में भी कलमा नहीं पढ़ा और किस दिन पर मरे? अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, वही हालत शिर्क पर मरे, अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर मरे।
جب انتقال ہوا اللہ کے رسول کی محبت کو جوش آ گیا، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کا حکم ہوتا ہے نبی کسی مومن کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے، آپ کو آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے چاچا کی سفارش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ تو شرک کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، عقیدے کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ موجودہ وقت میں ہماری اور آپ کی دوسری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ موجودہ وقت میں ہماری تیسری ذمہ داری، دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اور آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں، ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کی آبادی محض 20% ہے۔ کتنی ہے؟ 20% ہے۔ اور ایک قوم ایسی ہے جو آپ سے 8 گنا زیادہ ہے، 80% ہے، وہ آپ سے 4 گنا زیادہ ہے جناب، وہ 80% ہے، آپ 20% ہیں، وہ 80% ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، موجودہ وقت کی یہ ضرورت ہے کہ آپ ان سے اپنے رشتوں کو اچھا رکھیں، آپ ان سے اپنے تعلقات کو اچھا رکھیں، آپ ان سے پیار، محبت، الفت کا ثبوت دیں، ان کے برے وقت میں بھی کام آئیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے مشکل وقت میں بھی ان کے کام آئیں۔ یہ موجودہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ان کو اپنے پروگرام میں بھی بلوا لیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ان تک اسلام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان سے رابطہ رکھنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو ان سے تعلقات رکھنا پڑے گا۔ کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کے یہودیوں سے معاہدے نہیں فرمائے؟ جی ہاں فرمائے۔ یہ موجودہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں غیر مسلموں سے بھی اپنے تعلقات کو اچھا رکھنا ہے۔ موجودہ وقت کی ایک سب سے اہم ضرورت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جس فضا میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دور یقیناً لڑائی کا دور ہے، لیکن اس دور میں تلوار سے لڑائیاں نہیں لڑنا ہے، اس دور میں بندوقوں سے، توپوں سے لڑائیاں نہیں لڑنا ہے، اس دور میں علم سے لڑائی لڑنا ہے۔ تو میں آپ سے کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ پہلے ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا کی تعلیم نہیں، پہلے دین کا علم لیں، اس کے بعد دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ آئی پی ایس بنیں، آپ آئی ای ایس بنیں، آپ پولیس میں بھرتی لیں، آپ آرمی میں بھرتی لیں، آپ نیوی میں بھرتی لیں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اگر اس ملک کے اندر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اس نسخے پر بھی آپ کو عمل کرنا پڑے گا، لیکن ہاں دین کی تعلیم سب سے پہلے لینا ہے، اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم بھی آپ کو لینا ہے۔ موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری، انشاءاللہ ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے اخلاق بہت خراب ہو گئے، ہمارے اور آپ کے اخلاق اتنے خراب ہو گئے کہ اگر غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھتا ہے تو وہ اسلام سے بدظن ہو جاتا ہے، اسلام سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ اسلام اتنے برے اخلاق والا ہے۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق اچھا کرنے ہوں گے، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے، جس نبی کا اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے رسول کی اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہے۔ آپ اخلاق کی باؤنڈریوں کو پار کر چکے ہیں، آپ اخلاق کی حدود کو پار کر چکے ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے جو سب سے پائے اخلاق والا ہے، اور اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق سب سے خراب۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اپنے اخلاق اچھا کرنے ہوں۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے، میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ میرے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ کہتے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، ارے قرآن ہی تو میرے نبی کا اخلاق تھا۔ میرے نبی کا اخلاق وہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دیوانے، آپ کے دشمن بھی آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کی جائے۔ اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم مل گیا ہے،
آئے اللہ کے حبیب ابا ہجرت فرما لے، نبی اکرم اپنے بستر پر حضرت علی کو سلاتے ہیں۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس پر غور کرنا ہے، اللہ کے نبی حضرت علی کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے علی صبح ہو جائے تو مکے کے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا، مکے کے لوگوں نے میرے پاس امانتوں کو رکھا ہے، فلا فلا کی یہ امانت ہے، صبح ہو جائے سارے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹا دینا۔ میرے پیارے بھائیوں میں جو بتانا چاہتا ہوں دلوں کو تھام کر کے سنیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں بالکل متوجہ ہو کر کے سنیں۔ پورا مکہ نبی اکرم کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کو مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، آج رات محمد کا قتل کر دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، آج نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو گئی ہے، نبی کو مارنے کی پلاننگ ہو گئی ہے، آج محمد کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول حضرت علی سے کیا کہہ رہے ہیں، آئے علی صبح ہو جائے مکے کے لوگوں کی امانتوں کو واپس کر دینا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مکے کے لوگ نبی کو مارنا چاہتے ہیں، پر نبی کے اخلاق ایسے تھے اپنی امانتوں کو بھی نبی اکرم کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ دشمن ہے نبی کے، پر امانتیں کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول کے پاس، یہ آپ کی امانت داری ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ آج مجھے بتائیں مسلمانوں کا اخلاق کیسا ہے؟ نہیں، ہمارا اخلاق، ہماری امانتیں، ہماری امانتوں کا یہ حال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ مئو کے رہنے والے، کبھی اٹاوا آئے تو اٹاوا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں میں آپ کو دکھاؤں گا، اٹاوا کے انصاری بڑے پیسے والے ہوا کرتے تھے، بڑے پیسے والے ہوا کرتے تھے۔ آج جن کے کل 100-200 لوم تھے، آج وہ دو وقت کی روٹی کے محتاج ہے۔ کیوں؟ انہوں نے امانتوں کو سنبھال کر کے نہیں رکھا، انہوں نے بزنس میں گھپلے کیے، انہوں نے دو نمبر کے کام کیے، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ ہماری امانتوں کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اور آپ کاروبار کے معاملے میں اچھے نہیں ہیں، آج غیر مسلم مسلمان سے بزنس کرنے کو تیار نہیں۔ ارے غیر مسلم چھوڑیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دھندا کرنے کو تیار نہیں۔ صاحب اس کی ٹوپی پہ مت جانا، اس کی داڑھی پہ مت جانا، یہ کب چوٹ مار دے کچھ نہیں پتا ہے۔ ہماری اور آپ کی امانتوں کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں، اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، پانی کی بڑی تکلیف ہے، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، ایک عورت گزر رہی ہے، اللہ کے رسول نے اس سے اجازت لی، اپنی دونوں انگلیوں کو اس پانی میں ڈال لے، کہ اس عورت نے اجازت دے دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس کے برتن کے اندر ڈالا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، جب آپ نے برتن میں ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، کیا آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جسے جس نے پینا تھا اس نے پیا، جسے جو ضرورت پوری کرنی تھی اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیا، اور سارے صحابہ نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کہ بھائی اس عورت نے بڑی مدد کی ہے، تو اس کو کچھ ہدیہ وغیرہ دے دو۔ پانی اس عورت کا ختم نہیں ہوا، جتنا پانی تھا اتنا پانی موجود ہے، اللہ کے رسول نے بس اپنی انگلیاں مبارک ڈالنے کی درخواست کی تھی اور اس نے اجازت دے دی تھی، پانی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول پھر بھی صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھائی کچھ تحفے وغیرہ تو دے دو، تو جس کے پاس روٹی تھی روٹی دے دی، جس کے پاس کھجور تھا کھجور دے دیا، جو جس کو جیسے میسر تھا دے دیا، اور وہ عورت لے کر کے چلی گئی۔ جب فتوحات کا وقت آیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو خبردار کیا تھا، کیا صحابہ خبردار خبردار، اس عورت کی بستی پر حملہ نہ کرنا، اس نے ایک مرتبہ ہماری مدد کی، دائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، بائیں بھی حملہ ہو رہا ہے، آگے بھی حملہ ہو رہا ہے، پیچھے بھی حملہ ہو رہا ہے، اور اس عورت کی بستی حملے سے محفوظ ہے۔ عورت سمجھ گئی، اس نے اپنے 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 گاؤں کے اپنے اپنے علاقے کے سارے سرداروں کو جمع کیا اور کہا، جانتے ہو محمد کے سپاہی دائیں بھی حملہ کر رہے ہیں، بائیں بستی پر حملہ ہو رہا ہے، آگے والی بستی پر بھی حملے ہو رہے ہیں، پیچھے والی بستی پر بھی حملہ ہو رہا ہے، صرف ہماری بستی محفوظ ہے، جانتے ہو میں نے ایک مرتبہ محمد کی مدد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام آئے تو درود ضرور پڑھیے، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اور ابھی تک اس احسان کا بدلہ محمد دے رہا ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو یہ معلوم چلا، بستی کے لوگوں کو یہ معلوم چلا،
पूरी बस्ती मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाती है, पूरी बस्ती इस्लाम लेकर के आ जाती है। किस वजह से? अखलाक। भाइयों अपने अखलाक को सुधारो, अखलाक को सुधारो। मुसलमानों की सबसे बड़ी तलवार, सबसे बड़ी तोप और सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ रही है तो वो उनके अखलाक रहे। मुसलमान की शान अगर कुछ रही है तो वो उसकी अमानतदारी और उसकी सच्चाई रही है। मेरे प्यारे भाई, अली मियां नदवी साहब अपनी किताब के अंदर एक वाकया लिखते हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम था कांदेहला। तो उस गांव के अंदर एक मुतनाजा जमीन थी। हिंदू कहते थे कि ये जमीन मेरी है और मुसलमान कहते थे कि ये जमीन मेरी है। ब्रिटिश हुकूमत थी और कोई पक्का एविडेंस ना तो हिंदुओं के पास था ना मुसलमानों के पास था, बस दोनों दावा कर रहे थे। हिंदू कहते थे कि ये जमीन मेरी है और मुसलमान कहते थे कि ये जमीन मेरी है। तो जज भी अंग्रेज था बेचारा, बड़ा परेशान था, ना इनके पास कोई सबूत है ना इनके पास कोई सबूत है। जज ने मुसलमानों से पूछा, ये बताओ क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा शख्स है जो अगर इस जमीन के बारे में गवाही दे तुम उसकी गवाही मान लोगे? कहा नहीं, हमारी नजर में तो कोई नहीं है। हिंदुओं से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा शख्स है अगर वो गवाही दे तुम उसकी गवाही मान लोगे? कहा एक चाचा है, वो मुसलमान है, चाचा है, नमाजी है और हमने उन्हें कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, तो अगर वो इस जमीन के बारे में गवाही, और वो बहुत बुजुर्ग हैं, वो इस जमीन के बारे में जो गवाही देंगे हम उनकी बात मान लेंगे। तो मुकदमे का फैसले का दिन आया, हिंदू भी अदालत के अंदर आ गए, मुसलमान भी अदालत के अंदर आ गए और उस बुजुर्ग को भी अदालत के अंदर पेश किया गया और जज ने कहा कि अब आप बताएं ये जमीन किसकी है। हिंदू दावा कर रहे हैं ये मेरी है और मुसलमान दावा कर रहे हैं ये उनकी है। और हिंदुओं ने कहा है कि आप जो गवाही देंगे वो मान ली जाएगी और आप यहां पर जो बोलेंगे मैं जमीन उनको दे दूंगा। अब आप बताइए ये जमीन की हकीकत क्या है? वो मुसलमान बुजुर्ग कहते हैं कि जज साहब हकीकत ये है कि ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, ये जमीन हिंदुओं की है। ये जमीन मुसलमानों की नहीं है, ये जमीन हिंदुओं की है। जज ने वहीं पर हिंदुओं के हक में फैसला कर लिया। हिंदुओं ने जब ये देखा ये मुसलमान है और अगर ये कह देता कि ये जमीन मुसलमानों की है तो कोई मसला नहीं था, जज तो फौरन मुसलमानों के हक में साइन कर देता। हिंदुओं ने देखा कि ये एक मुसलमान होने के बाद इसने हमारी तरफ से सही बात की गवाही दी है और इस बात ने उन हिंदुओं के दिल में ऐसी चोट मारी कि इस बुजुर्ग की वजह से पूरा का पूरा गांव मुसलमान हो जाता है। उस गांव के सारे गैर मुस्लिम इस्लाम ले आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, उस गांव के अंदर मुसलमान हार जाते हैं मगर इस्लाम जीत जाता है। उस एक बंदे की सच्चाई की वजह से, उस एक बंदे की शहादत की वजह से, उस एक बंदे की सदाकत की वजह से मेरे प्यारे भाइयों मुसलमानों का इम्तियाज उनकी सदाकत उनकी अमानत रही है। ये मुसलमानों का अखलाक है। मेरे भाइयों मऊ के लोगों, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, ये मौजूदा वक्त में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमारे और आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये चंद जिम्मेदारियां थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं और इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, और वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ये चंद बातें थी, मौजूदा हालात का सबब क्या है और मौजूदा वक्त में हमें और आपको करना क्या है, इन बातों को मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है, इला हलाल अमीन हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इला हलाल अमीन हम सबको तमाम बातें समझने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह हम सब की शिरकत को कबूल फरमा ले, अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले, अल्लाह जितने उलमा इकराम यहां बैठे हुए हैं उन सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये जो फाउंडेशन है अल गानिम ऑर्गेनाइजेशन, अल्लाह इनके जिम्मेदारान को तू और मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल फरमा। आए अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, अल्लाह हमें दीनदार बना दे, अल्लाह हमें गुनाहों से बचा दे। अल्लाह जहां कहीं मुसलमान परेशान है तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज है कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। आए अल्लाह जो माँ उनको बच्चे नसीब फरमा। आए अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें तौहीद पर इस्लाम पर, खात्मा हो तो ईमान पर। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।
وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.